लड़का भैया कितना का होए, बड़ा परेशान। माता अनुसुईया क्या करती हैं, आ गई पालना डाल दिया। एक भजन सुना दे दोला इनका। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, मैया अनुसुईया ने डार दियो पालना, छूल रहे तीनों देव बन करी के लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, छूल रहे तीनों देव बन करी के लालना। मगन है मारे खुशी के मैया फूले न समाती, मारे के गोदी मा लेती कभी पलना झुलाती, गोदी काका नाच रहा तन मन, नाच रहा तन मन पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करी के लाल ना। तीन महीना हो रहे हैं सेवा करते करते, नारद बाबा सोचिन भगवान पता नहीं कहाँ रहेगे, लौटे नहीं परीक्षा कहके। एक दिन नारद बाबा कुटिया में आए, एक दिन नारद बाबा देवों को देखिया ती मन में हर्षाए, नारद बाबा भगवान से कहा लगाए रहो परीक्षा ले, आज परिगा भारत की नारियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करी के लाल। नारद बाबा देखे मैया अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता फंस गए। भैया धीरे धीरे 180 दिन हो गए, 180 दिन का मतलब भा 6 महीना। इधर तीनों देवियां बड़ा व्याकुल, इतमे उमा रमा ब्रह्माणी पतिबिन भवन बहुत भटकानी। जब तीनों देवियों के पति नहीं लौटे तो पूछे लगी दीदी तुम्हारे दर्द दुनिया आए, कहीं नहीं आए, कहीं तुम्हारे कहीं हमारे नहीं आए, तो कहा लगी तो ढूंढ ही चली। तो तीनों जनी ढूंढत ढूंढत गई वह जगह पहुंची जहाँ लड़ाई की हन। नारद बाबा तुरंत आए, मैया काहे रो रहे हो, कहा लगे नारद पता नहीं कहाँ चले गए हैं, आज 6 महीना हो गए लौटे नहीं। नारद बाबा कहा लगे मैया कहूँ भगवान नहीं देखे, हाँ याग जी का देखे ना अनुसुईया जी के तीन लड़का परे हैं। कहा लगे नारद चलो ढूंढा दो, चले ढूंढा दो, चले ढूंढा दो, चले आ। नारद बाबा कहा लगे एक बात सुन लो मैया, हम पहुँचा देव लेकर वहाँ हम जाब नहीं। अच्छा हो तो आगे आगे नारद बाबा, पीछे पीछे तीनों देवियां पहुंच गई। नारद बाबा अशोक वृक्ष पर चढ़ गए, कहला मैया वो इसी गेट हुई। ध्यान सुनना, तीनों देवियां गई खुंडी खटखटाया, मैया अनुसुईया बाहर आई, कहा लगी का बात बहनी, कहा लगी मैया मेरे पतियों से मिला दो। मैया अनुसुईया कहा लगी होय बहनी हम तुम्हारा मन ही कहा कर, हमारे मन ही कहाँ है। तीनों जनी कहा लगे मैया पता लगा हमारे पति देवता तुम्हारे ही यहाँ है। माता अनुसुईया कहा लगे हमारे तीन लड़का हैं, मनाई हम कहा जानी। अच्छा यू बताओ तुम्हारे रहा पति कैसे कैसे, तो ब्रह्माड़ी कहा लगे हमारे पति गोरे।